नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। जिला शोपियां सर्किट हाउस में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन करने वाले कांग्रेस के नेता एडवोकेट गौहर हुसैन ने हिंसक जोन में यह कार्यक्रम किया, जिसमें जिले के विभिन्न कोनों के आए लोगों ने अधिवेशन में भाग लिया। आपको बता दें कि यह जिला शोपियां में आयोजित इस प्रकार का पहला राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस दौरान एडवोकेट गौहर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको सुरक्षा देगी जो आप पिछले सरकार के दौरान खो चुके हैं। गौहर ने आगे कहा कि हमने उन पर भरोसा किया है, लेकिन बदले में उन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा है। समय बदल गया है, लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मतदान कैसे करें और किसे वोट दें। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुश्ताक अहमद खांडे ने अनुच्छेद 370 के संरक्षण, केसीसी लोन्स में रियायत और अस्पा के हटाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता और जीए मीर के पुत्र नासिर अहमद मुख्य अतिथि थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा चुनावों पर जोर दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर के पक्ष में वोट देने का अनुरोध किया। अधिकांश नेताओं ने पीडीपी लोकतांत्रिक पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूरी तरह से घाटी की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी ने यहाँ शोपियन जिला हेडक्वार्टर पे पहली बार हमने मतलब शुरुआत की इलेक्शन कैंपेनिंग की, जो हमारे साथ ऑल इंडिया यूथ के ये वाइस प्रेसिडेंट जनाब मिश्रा मीर साहब इसके हवाले से यहाँ शुरू हो गए। यहाँ से हमने आज शुरू की इलेक्शन कैंपेन और आने वाले दिनों में ये बड़ी जोर शोर से कैंपेनिंग चलेगी ताकि 6 मई को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की पार्टिसिपेशन हो जाएगी। इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा इन्हीं इलेक्शन के होते हुए भी एक अच्छा मैनिफेस्टो पब्लिश किया है, जिसमें आप सपा और बिलखसूस 370 की जिक्र की और ख़ासकर केसीसी माफ करने की जिक्र की, जिन चीज़ों को पिछले आपको पता है पिछले 8-10 सालों से हमारे फ्रूट में जो नुकसान हुआ है, हमारा किसान लोग जो शुपियन है जो फ्रूट से वाबस्ता लोग हैं कितने परेशानियों में मुबतला है। किसी गवर्नमेंट ने इसकी तरजीह नहीं दी। राहुल गांधी ने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होने के नाते, जिसमें सुफा गुलाम अहमद मीर ने ये कोशिश की कि इस मैनिफेस्टो में बिलखसूस कश्मीर और खासकर साउथ कश्मीर के लोगों को ये केसीसी माफ किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार। वक्त इंडिया, यही वक्त है।